हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ऊर्जा अभिक्रिया से क्या बनता है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होने वाला है, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा अभिक्रिया में आखिर बनता क्या है। देखिए, ऊर्जा अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तब एल्केन बनता है, इसे ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा अभिक्रिया में होता क्या है, देखिए, एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तब एल्केन बनता है, इसी को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है RX, इसके कितने अणु, इसके दो अणु लिए जाएगा। ठीक है, ये जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करने वाला है किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो यहाँ पर सोडियम को भी दो अणु लेना पड़ेगा, तो सोडियम जो होता है हैलाइड ग्रुप को लेकर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड दो बार बनेगा और दो बार बनेगा RR, इसी को एल्केन बोलते हैं। या फिर इसको दूसरा तरीका से भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर एल्किल हैलाइड को दो अणु लिया गया है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ RX, और देखिए बीच में सोडियम को लिख देता हूँ और यहाँ पर X और R लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है एल्किल हैलाइड के दो अणु और सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करेगा, तो सोडियम धातु जो है इस हैलाइड ग्रुप को लेकर चला जाता है। ठीक है, सोडियम जो है दोनों हैलाइड ग्रुप को लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम हैलाइड बनेगा और बचा क्या RR, वो आपस में रिएक्शन करके एल्केन बनाता है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो आप लोग R के जगह पर क्या लिख सकते हो, मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, तो चलो मेथिल ग्रुप लिख देता हूँ, X के जगह में Cl ले सकते हो, और यहाँ पर सोडियम दो बार है, टू टाइम्स है, X के जगह में Cl ही ले लेता हूँ, R के जगह में CH3, ये जो होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। R के जगह में क्या लिया हूँ, CH3 प्लस 2 NaCl। ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है एथेन। ठीक है, तो यही ऊर्जा अभिक्रिया है। तो ऊर्जा अभिक्रिया में क्या बनता है, एल्केन बनता है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तब एल्केन बनता है। ठीक है, तो अब देखिए ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में क्या बनता है, देखिए इसमें क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड से क्रिया करके टॉलुइन बनाता है, इसे ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए एक बार और, क्लोरोबेंजीन को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या बनता है, टॉलुइन बनता है, इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या होने वाला है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl, या फिर ऐसे रिंग के रूप में भी लिख सकते हो। इसी क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। सोडियम का सूत्र होता है Na और मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होने वाला है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये ईथर क्या होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, इसी की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, सोडियम को दो अणु लेना पड़ेगा, यह सोडियम जो होता है यहाँ के Cl और इस यहाँ के Cl को लेकर चला जाएगा, यहाँ का सोडियम का दो अणु जो होता है क्लोरीन के दो अणु को लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए सोडियम क्लोराइड के दो अणु बनेगा, अब बचा क्या, देखिए CH3, यही CH3 जो होता है यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, Cl के जगह में जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाता है, यही है टॉलुइन का सूत्र, टॉलुइन। ठीक है, तो ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब टॉलुइन बनता है, इसी अभिक्रिया को ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।